हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि हम लोग किस तरीके से पीएच वैल्यू या पीएच स्केल से पता लगाते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि पीएच की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि पीएच की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी डेली लाइफ में, तो ध्यान सुनिएगा, कुछ ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो उस कॉन्सेप्ट में सबसे पहला है हमारा, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। आपके जो आंगन है उसकी जो मिट्टी है उसका पीएच क्या है। ठीक है, प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। जैसा कि बता रहा है कि प्लांट्स को एक विशेष मात्रा में या पीएच की रिक्वायरमेंट होती है एक हेल्दी ग्रोथ के लिए। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, आपको फाइंड आउट करना है कि क्या पीएच रेंज होगी एक प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए। यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, आपको अलग अलग जगह से मिट्टी कलेक्ट करनी है। चेक द पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब बिलो एक्टिविटी 12.12। ठीक है, देखिए मैं आपको सिंपली बता देता हूँ इन सभी बातों में कह क्या रहा है। ठीक है, अगर हमें कभी भी क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी भी आंगन की या किसी भी मैदान की, किसी भी जगह की, बाग की, बगीचे की अगर जो मिट्टी है ना, या खेत की अगर मिट्टी है वो ज़्यादा एसिडिक होती है या ज़्यादा बेसिक होती है तो क्या होगा, आपको सबसे सीधा सा या सिंपली रीज़न पता होना चाहिए। अगर किसी भी मैदान की मिट्टी अगर ज़्यादा एसिडिक होती है या ज़्यादा बेसिक होती है, तब भी जो हमारा प्लांट जो है प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। मींस मिट्टी ना ही ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना ही ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए। उसका जो पीएच है वो कितना होना चाहिए, वो हमेशा जो उसका पीएच है वो 7 से थोड़ा सा कम हो सकता है, 6.5 तक हो सकता है, या 7 से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, 7.5 या 7.8 तक, लेकिन इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। इसी रेंज के बीच में हमारी पीएच होनी चाहिए, ताकि तभी जो होता है हमारा पौधा जो है वो बहुत प्रॉपरली ग्रो करेगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर सिंपली इसी तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड हमारा कहता है, व्हाट इज़ द पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारे जो पाचन तंत्र है उसके अंदर पीएच का क्या रोल होता है। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग कुछ भी खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है, और पेट जो है हमारा वो क्या करता है, HCl प्रोड्यूस करता है। और जब पेट हमारा HCl प्रोड्यूस करेगा तो उस केस में क्या होगा कि उसी HCl की वजह से हमारा जो भोजन होता है वो डाइजेस्ट होता है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग काफ़ी लंबे समय तक खाना नहीं खाते, और काफ़ी लंबे समय तक मीन्स अगर हमने 8-10 घंटे गैप कर लिया, लेकिन हमारे पेट को तो पता है ना कि उसे कब HCl रिलीज़ करना है, तो HCl रिलीज़ कर देगा। और जब वो HCl रिलीज़ कर देगा और आपने कुछ खाया नहीं है तो डाइजेशन के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या करेगा, आपके पेट में जलन मचाने लग जाएगा। ठीक है, इरिटेशन होने लग जाएगी, और उस इरिटेशन से बचने के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि वो एसिडिक नेचर होता है, एसिड रिलीज़ करता है, और हमने पढ़ा है कि एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बेस लेना पड़ता है। तो आप लोग क्या करोगे, उस केस में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लोगे, या फिर कि आप इनो ले लोगे, या फिर के डाइजीन वगैरह खा लोगे, जिससे आपके पेट का जो मीडियम है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और आपको आराम मिल जाए। अब एक बार हम लोग पढ़ के देख लेते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा पेट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, ये हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, विदाउट हार्मिंग स्टमक, बिना ही पेट को नुकसान पहुँचाए। ड्यूरिंग इंजेशन इन डाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, अगर हम लोग हमारे पेट में पाचन नहीं हो रहा है तो पेट के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगेगा, जिसकी वजह से दर्द होगा और इरिटेशन जलन होगी। टू गेट रीड ऑफ, यानी कि इससे आराम, इस दर्द से आराम पाने के लिए पीपल यूज़ बेसिस, लोग क्षार का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंट एसिड कहते हैं। एंट एसिड, देखो कन्फ्यूज़ मत होना कभी भी लाइफ में, एंट एसिड लिखा तो इसका मतलब ये एसिड है, इसका नाम एंट एसिड है लेकिन यह एक बेस है। ठीक है, एंट एसिड है लेकिन इसका नाम एक बेस है। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर, एक उपचार जो आपको इस चैप्टर के शुरू में ही बताया गया था, दिस एंट एसिड्स न्यूट्रलाइज एक्सिस अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक्सिस एसिड को क्या कर देते हैं ये लोग, एंट एसिड जो होता है वो एक्सिस अमाउंट में एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है,
और जैसे माइल्ड बेस हो गया इज़ ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस, इनका इस्तेमाल इन पर्पस के लिए किया जाता है। अगला है हमारा टूथ डीके, यानी कि दांतों के सड़ने में पीएच का क्या रोल होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज़ लोअर देन 5.5, जब हमारे मुंह का पीएच जो है 5.5 से कम हो जाता है तब जो होता है टूथ डीके, यानी दांतों का सड़ना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, टूथ इनेमल इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। ठीक है, जो हमारे दांतों का जो इनेमल होता है बहुत ही मजबूत मटेरियल का होता है जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट कहते हैं। क्रिस्टलिन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये कैल्शियम फॉस्फेट की क्रिस्टलिन फॉर्म होती है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, और ये हमारी पूरी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी के अंदर घुलता नहीं है, बट इज़ कॉरोडिड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज़ बिलो 5.5, लेकिन जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब ये कोरोड यानी कि सड़ना चालू हो जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड, और बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जो भी हम खाना खाते अगर मुंह में फंसा रह गया, जैसे शुगर या कोई फूड का पार्टिकल, ठीक है, उसको डिग्रेड करते हैं, तोड़ते हैं, जिसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस करते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ, और सबसे अच्छा जो तरीका होता है इसे बचने का वो होता है कि आप अपने मुंह को साफ करें खाना खाने के बाद यूजिंग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके, विच आर जनरली बेसिक, जो कि बेसिक होता है फॉर क्लीनिंग द टीथ, न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डीके। क्या करता है, दांतों को साफ कर देता है और न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सिस एसिड को, जिससे जो हमारे दांतों का क्षय होता है, दांतों का सड़ना होता है, वो बच जाता है। बच्चों आप लोग एक चीज़ और ध्यान दो कि गांव में लोग दातून करते हैं, तो आप सोचो कि दातून को वो क्यों करते हैं ना, दातून को क्यों करते हैं। आप ध्यान दो जरा कि हमारा जो बेस होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है, और नीम का दातून कैसा होता है, कड़वा होता है, तो वो भी एक बेस की तरह ही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल्फ डिफेंस, नेक्स्ट एंड लास्ट है इसका पीएच का, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। किस तरीके से केमिकल से बचते हैं हमारे प्लांट और एनिमल्स। हैव यू एवर बीन स्टडिंग अ हनी बी, ठीक है, यानी कि हम लोग कैसे बचते हैं अगर कभी भी हमारे ऊपर कोई जानवर या पौधा अटैक कर देता है तो हम लोग उससे कैसे बचते हैं। जैसे हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी, क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है। बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, मधुमक्खी का डंक एक एसिड छोड़ता है जिससे दर्द होता है और जलन होती है। यूज़ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, उस केस में हम लोग एक माइल्ड बेस यूज़ करते हैं लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया, जहाँ पे भी डंक लगा होता है उससे आराम पाने के लिए। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीडल लीव्स इंजेक्शन ऑफ मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन, और जो स्टिंग होती है, जो डंक होता है उसके बालों में जो डंक होता है वो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो मिथेनोइक एसिड छोड़ता है और वो बर्निंग पेन हमारे लिए प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हमारा एप्लीकेशन की पीएच का क्या एप्लीकेशन होता है। अगली वीडियो में हम लोग बच्चों बात करेंगे किसके बारे में, सॉल्ट स्टार्ट कर देंगे हम लोग, और इस चैप्टर को अब हम लोग ऑलमोस्ट ख़त्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।